जूबली बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई लर्निंग स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए यहाँ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है उद्भिद परिषद, यानी कि वृक्षों की सभा। और बेसिकली ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले तीन पार्ट, अगर दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे पैराग्राफ से। स्वावस्थायां संतोषम अलभाम माना मनुजन मानः प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते न धर्म मनु धावन्ति न सत्यम अनुबध्यन्ति। स्वावस्थायां, स्व यानी कि अपनी, और अवस्थायां यानी कि अवस्था में, यानी कि अपनी अवस्था में, संतोषम प्लस अलभ माना, संतोष यानी कि संतोष को, सेटिस्फाइड तो संतोष को, और अलभ माना यानी कि अलभम यानी कि प्राप्त करना होता है, और अलभ माना यानी कि न प्राप्त करने वाले। तो अपनी अवस्था में संतोष को प्राप्त न करने वाले मनु जन्माना है यानी कि मनुष्य, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, स्वार्थ साधना यानी कि स्वार्थ सिद्धि के लिए, सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, सर्वात्मना यानी कि पूरी तरह से या हर प्रकार से प्रवर्तन्ते यानी कि लगे रहते हैं, न धर्मम अनुधावन्ति यानी कि धर्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, न सत्यम अनुबध्यन्ति और ना ही सत्य का अनुसरण करते हैं। तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम अहितमिव अरित्यजन्ति आर्जवम्। तृणवत यानी कि तृण के समान, और उपेक्षणते यानी कि उपेक्षा करते हैं, स्नेहम यानी कि स्नेह की, यानी कि स्नेह की तृण यानी कि घास के समान उपेक्षा करते हैं, अहितमेव परित्यजन्ति आर्जवम्। आर्जवम यानी कि सरलता को, अहितमेव यानी कि अहित से ही या अहित के समान, अहितम प्लस इव, इव होता है के समान या की तरह, तो सरलता को अहित के समान परित्यजन्ति यानी कि त्याग देते हैं। किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात्, अनृत व्यवहारात यानी कि झूठे व्यवहार से, अनृत यानी कि झूठ होता है और व्यवहारात यानी कि व्यवहार से, तो झूठे व्यवहार से किंचित यानी कि थोड़ा भी, अपि यानी कि भी होता है और लज्जन्ते यानी कि लज्जित नहीं होते हैं, किंचित प्लस अपि यानी कि थोड़ा भी लज्जन्ते यानी कि लज्जित नहीं होते हैं, यानी कि झूठे व्यवहार से थोड़ा भी लज्जित नहीं होते हैं, न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचरेभ्यं न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। पापाचरेभ्यं यानी कि पाप के आचरण से, पाप प्लस आचरभ्यम यानी कि पाप के आचरण से, स्वल्पम अपि यानी कि थोड़ा भी, न बिभ्यति यानी कि नहीं डरते हैं, बिभ्यति यानी कि डरना, स्वल्पम प्लस अपि यानी कि थोड़ा भी, बिभ्यति यानी कि डरना और न यानी कि नहीं, यानी कि पाप का आचरण करने से थोड़ा भी नहीं डरते हैं, न ही और ना ही। पर पीड़नात् यानी कि पर यानी कि दूसरा होता है, पीड़नात् यानी कि दूसरों को पीड़ित करने से, क्षणमपि यानी कि क्षणम प्लस अपि थोड़ा भी, क्षण भर भी, न विरमंती यानी कि नहीं रुकते हैं, विरमंती यानी कि रुकते हैं, विराम लगाना, तो ये आप समझ गए होंगे, तो विरमंती यानी कि नहीं रुकते हैं। यथा तथैव स्वार्थ सिद्ध घटते परिवर्धते विषय पिपासा, यथा यानी कि जैसे, और यथैव यानी कि जैसे, और एव यानी कि ही, यानी कि जैसे जैसे ही स्वार्थ सिद्धि घटते यानी कि स्वार्थ सिद्धि घटते यानी कि पूरी होती जाती है, परिवर्धते विषय पिपासा, विषयों की प्यास परिवर्धते यानी कि बढ़ती जाती है। निर्धनः शतम् कामयते, निर्धन है यानी कि धनहीन गरीब, शतम कामयति यानी कि 100 रुपए की कामना करता है, इच्छा करता है,
दश शतान्यभि लशति। शति यानी कि 100 रुपये वाला, दशा दश शता यानी कि 1000 यानी कि 1000 रुपये, और अभिलषति यानी कि चाहता है, इच्छा करता है। सहस्राधिपो लक्षमाकांक्षति, और सहस्राधिपो यानी कि जो 1000 रुपये का स्वामी होता है, अधिप यानी कि स्वामी या राजा, तो जो 1000 रुपये का स्वामी है वो लक्षम यानी कि 1 लाख रुपये कांक्षति यानी कि चाहता है। इत्यं इस प्रकार क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा, इस प्रकार मनुष्यों की आशा, मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों की, और आशा यानी कि आशा वर्धते यानी कि बढ़ती जाती है। विचार्यताम यावत, विचार तो कीजिए कि यानी कि जो, खलु यानी कि निश्चित रूप से, स्वप्ने यपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्ति सुखम यानी कि तृप्ति के सुख को नाधिगच्छति यानी कि नहीं प्राप्त करते हैं। सर्वदैव नवनवाशाचित्त वृत्तयो भवन्ति, सर्वदा प्लस एव यानी कि सदा ही, नव नव यानी कि नई नई, और आशाचित यानी कि आशा या इच्छा से, चित्त वृत्तयो यानी कि जिनका मन भरा हुआ रहता है। समझा व्रते तेषु कदाचित अपि स्वल्पमात्रम शांति सुखम, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या संभव है उनमें, तेषु यानी कि उनमें, कदाचित अपि यानी कि कदाचित यानी कि कभी, और अपि यानी कि भी, कभी भी स्वल्पम मात्रम, स्वल्पम यानी कि थोड़ा, और अल्प मात्रम यानी कि थोड़ा भी, शांति सुखम यानी कि सुख के, शांति के सुख की संभावना होती है। येषु क्षणमपि शांति सुखम नाविर्भवति ते खलु दुःख दुःखे नैव समयमति वाहयन्ति इत्यपि किं वक्तव्यम्। तेषु यानी कि जिनमें क्षण भर भी शांति के सुख का न अविर्भवति, अविर्भवति यानी कि उदय, और न यानी कि नहीं, और होता है, भवती बने होता है, यानी कि शांति के सुख का उदय नहीं होता है, ते यानी कि वे खलु यानी कि निश्चित रूप से, दुख दुखे ही नैव यानी कि महान दुखों में ही, समय मति वाहयन्ति यानी कि अपना समय बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्य, इस विषय में क्या कहना चाहिए। कथम वा निज निजावस्थायामेव तृप्ति मनुभव पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठतम। निज निज अवस्थायामेव यानी कि अपनी अपनी, निज यानी कि अपना होता है, यानी कि अपनी अपनी अवस्था में ही, एव यानी कि ही होता है, और अवस्थायाम यानी कि अवस्था में, यानी कि अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्तिम अनुभवद्भ्यः यानी कि तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुभ्यस तेषाम, पशुभ्य यानी कि पशुओं से, तेषाम यानी कि उनकी श्रेष्ठता, यानी कि श्रेष्ठता कथम वा यानी कि कैसे हो सकती है। यत् थी विगर्हितं कर्म संपादयितुं पशवो यपि लज्जन्ति तत्तु मानवानामिष्यकरम्। यत् यानी कि जिस, और विगर्हितं यानी कि निंदित कर्म यानी कि कार्य को, यानी कि जिस निंदित कार्य को करने के लिए, संपादयितुं यानी कि करने के लिए, यानी कि निंदनीय काम को, कार्य को संपादयितुं यानी कि करने के लिए, पशोभो यपि यानी कि पशु भी लज्जन्ते यानी कि लज्जित होते हैं, तत्तु यानी कि वह मानवानाम यानी कि मनुष्यों के लिए इषत् कर्म यानी कि तुच्छ काम है, यानी कि जो काम पशु भी करने से लज्जा करते हैं वो मानव के लिए तुच्छ काम है, बहुत छोटा काम है। नास्तिह किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म यत् कामोपहत चित्त वृत्ति भी मनुष्यैः नानुष्ठियते। नास्तिह न प्लस अस्ति प्लस इह, इह माने इस संसार में, न यानी कि नहीं, और अस्ति यानी कि है, किमपि यानी कि कोई भी,
कि इस संसार में कोई भी अति घोर रूपम महापाप कर्म, यानी कि कोई भी अति घोर यानी कि बहुत बड़ा महान पाप कर्म नहीं है, नास्ति यानी कि नहीं है, यत यानी कि जो कामोपहतः, काम यानी कि लालसा, और अतः अहतः यानी कि दूषित, यानी कि लालसा से दूषित चित्त वृत्ति भी ही, यानी कि चित्त वृत्ति वाले मनुष्य ही है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा नानुष्ठियते यानी कि न अनुष्ठियते यानी कि किया जाता हो, यानी कि इस संसार में ऐसा कोई भी घोर पाप कर्म नहीं है जो लालसा से या काम से दूषित चित्त वृत्ति वाले मनुष्यों के द्वारा न किया जाता हो। निपुण तरम अवलोकयन्नपि अहम् न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परं मति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। निपुणतरम यानी कि अच्छी तरह से बड़ी निपुणता से अवलोकयन्नपि यानी कि अवलोकन करता हुआ या देखता हुआ, और अपि यानी कि भी यानी कि अच्छी प्रकार से देखता हुआ भी अहम् यानी कि मैं न तेषाम पशुभ्यः यानी कि मैं पशुओं से उनकी कमपि यानी कि किसी उत्कर्षम यानी कि उत्कर्ष को नहीं, परम अपितु परम यानी कि अत्यंत निकृष्टत्वमेव यानी कि नीचता को ही अपलोकयामी यानी कि देखता हूँ, यानी कि अच्छी प्रकार से देखता हुआ भी मैं पशुओं से तेषाम यानी कि उनके कमपि यानी कि किसी उत्कर्ष को नहीं, बल्कि परम यानी कि अत्यंत निकृष्टत्व यानी कि नीचता को ही, एव यानी कि ही होता है निकृष्ट या नीचता को ही अवलोकयामि यानी कि देखता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीसरा पार्ट मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ये चैप्टर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।